आज के मुख्य समाचार। दिल्ली से बंबई जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। कहाँ छिपा है सलमान, बाहर निकल, कहाँ छिपा है सलमान। ये दोस्त नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। जैसा कि आपको मालूम है कि कल योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, उस पर जो है पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगार डे मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो कि हमेशा ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, उन्होंने जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है दिल्ली और यूपी के अंदर। आपने बहुत सारी ऐसी खबर देखी होगी कि अंदर जो है कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मोहित शर्मा, कल योगी जी का जन्मदिन था, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई नहीं दी, उसके बाद आज आपका जन्मदिन है, कल आपका जन्मदिन है। कल 7 जून को मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे को बधाई ना दें। वो सब लोग मुझे बधाई देंगे, और योगी आदित्यनाथ जी को तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटे ट्विटर हैंडल चलाते रहते हैं, लेकिन उन्हीं को बधाई नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के बर्ताव को लेकर या फिर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हेरफेर होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को भी नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा अब उत्तर प्रदेश से साफ होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, और इसका साफ अंदाज़ा प्रधानमंत्री को भी नज़र आ रहा है, जिस कारण से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को शायद बधाई नहीं दिया। उनका आपसी मतभेद हो सकता है, या जो भी बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ जानते हैं। आखिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के अंदर एक बार में टाटा फिस हो गए? वजह तो आप इस बात के लिए पूछिए कि योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर पूरे देश ने बेरोजगार दिवस मनाया, देश के युवाओं ने जो रोजगार के लिए परेशान थे उन्होंने बेरोजगार दिवस मनाया। तो क्वेश्चन पूछना है तो बेरोजगारी दिवस पर पूछिए कि जो देश के प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते थे ना, 18-18 घंटे काम कर अगर उन्होंने सारा पैसे लूट कर दे दिया है तो इस देश के बिजनेसमैनों को दे दिया है। और अगर आज सरहद की हिफाजत करने वाला कोई खड़ा हुआ है तो वो इस किसान के बच्चे हैं जो आज सरहद की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं। उसमें आप एक खाकी और कोई एक निक्कर वाला दिखा दो जो वहाँ पर खड़ा हुआ हो, तो सरहद की हिफाजत कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के जगह भारतीय जनता पार्टी किसी और को बिठाएगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मोदी राज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इस देश के अंदर एक आपने देखा कि रक्षा मंत्री को गृह मंत्री बनाए जाने के बजाय, गृह मंत्री को रक्षा मंत्री बनाने के बजाय बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये मोदी जी का राज है और मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी जो है क्या नाम है, पंजाब के अंदर कई ऐसी जगह पे अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी का बैनर लगा करके लोग धै धनाधन जूता चप्पल मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा, पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री पद की इन लोगों ने गरिमा को ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है बताइए। 4 महीने से ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर पे डटा देश का किसान, जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। देश की आम जनता, मैं आपसे फिर वही सवाल करूँगा कि आपके जैसे खाकी और वो सफ़ेद कुर्ते वाले एक नेता की औलाद बता दीजिए, एक नेता का बच्चा बता दीजिए जो सरहद की हिफाजत करता हूँ, एक निक्कर वालों का बच्चा बता दीजिए जो सरहद की हिफाजत करता हूँ। सरहद की हिफाजत करने वाला इस देश का किसान और मजदूर का बेटा है जो आज सरहद पर शहीद हो रहा है, वो इस देश के किसान का बेटा है। और जब देश की सरकार किसान की ओर ध्यान नहीं देगी तो क्या करेगा इस देश का आम जनमानस? प्रधानमंत्री से गुहार लगा सकता है जब प्रधानमंत्री 4 महीने से नहीं सुन रहे? आप ये देखिए, ट्रंप ने प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका में रहते हुए उन्होंने 5 बार विदेश का दौरा करा, हमारे देश के शक्तिमान ने पूरे विदेश का क्या पूरे विश्व का दौरा कर लिया, लेकिन अंधेरा अभी भी कायम है। शक्तिमान समझ रहे हैं, मोदी जी भैया, करोड़ों रुपये का शक्तिमान है, वो शक्तिमान है, सारे देश का दौरा करिया है पूरे विश्व का, लेकिन अंधेरा अभी भी हमारे देश में कायम है, और करा मोदी जी ने कायम है अंधेरा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। कहे क्या, अब आपको दिख नहीं रहा, अभी भी हमसे पूछेंगे, किसान परेशान इनके मुख्यमंत्री का जन्मदिवस, तो ये देश का युवा परेशान, इनके तमाम नेताओं से देश की जनता परेशान, इनके नेता ठेले चलाकर दिखा रहे हैं, तो परेशान नहीं है क्या इनसे जनता? तो मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये पूरे देश में अभियान चल रहा है। एक चीज देखने वाली बात है कि अभी जो है पूरे देश के अंदर महामारी फैली हुई, पूरे देश के अंदर लोग जो कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं। बंगाल इलेक्शन था, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं सबके सब, देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर कंपेन कर रहे थे, लेकिन ये खबर आ रही है कि अभी जो है जो बीजेपी सरकार है वो 5 राज्य में चुनाव की तैयारी पर चर्चा कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो सीधी बात पे भैया, चुनाव पहले हैं देश में। आप ये देखिए कि अगर परीक्षा पे चर्चा हो जाए
तो इनको आपत्ति हो जाती है, लेकिन चुनाव पे चर्चा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा नहीं होनी चाहिए इस देश में, चुनाव हो तो हो, चुनाव से कोई दिक्कत थोड़ी है। कोरोना कोई भैया चुनाव से थोड़ी फैल रहा है। तो कोरोना कैसे फैल रहा है? कोरोना तो इसलिए फैल रहा है क्योंकि देश में स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, इसलिए कोरोना है। बाकी आप चुनाव कराइए जगह जगह, कोरोना खत्म होता है चुनाव से, फैलता थोड़ी है। कौन कह रहा है आपसे? आपने बंगाल में चुनाव होते हुए नहीं देखा, बिहार में चुनाव होते हुए नहीं देखा, कैसी पत्रकारिता करते हैं भैया आप? तो क्या लगता है कि आपको कोरोना को डर लगता है रैली से? कोरोना जो डरता है वो ना सैनिटाइजर से डरता है, ना भैया आपके मास्क से डरता है। कोरोना डरता है तो चुनावी रैली से डरता है। और कोरोना को भगाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो है वो यही है कि चुनाव करो जगह जगह, कोरोना अपने आप भग जाता है। हाँ, तो कोरोना चुनाव से डरता है। अभी जो है मोहन भागवत का जो है क्या नाम है ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। बिल्कुल हटाया जाएगा, जो लोग नफरत फैलाएंगे इस देश के अंदर उनके साथ यही होगा। जो लोग तमाम तरीके की नफरत फैलाते हैं इस देश के अंदर, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हो या तमाम तरीके के लोग हों जो आज बीजेपी से नाराज़ हैं, खफा हैं, लेकिन अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज बीजेपी से खफा हैं क्योंकि बीजेपी जिन हिंदुत्व की राजनीति करती थी, आज उन हिंदू लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी जो है अंतिम बार हिंदुओं की अग्नि को, उनकी चिता को लकड़ी नहीं दे पाई। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा इस देश के अंदर, जो अस्पताल नहीं दे पाती, बेड नहीं दे पाती, युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाती, तो ऐसी सरकार से तो भैया हाथ जुड़वाए इस देश की। अच्छा, आप लोग क्या नाम है योगी आदित्यनाथ को ढोंगी क्यों कहते हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, जो आदमी भगवा वस्त्र धारण कर कर, भगवा गमछा धारण कर कर वो आ गया राजनीति के अंदर, अब आप एक बात मुझे बताइए, आपके अगर मौलाना जो हों, मौलाना साहब अगर राजनीति करें तो आप उनको क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि वो गलत है, ढोंगी है वो, है ना? तो ऐसी सियासत करना कोई गलत थोड़ी है, आप उसका गलत उपयोग आप एक नहीं नहीं सियासत कर सकते हैं ना, चाहे वो मौलाना हो पंडित हो। नहीं नहीं, सुनने के मौलाना है तो वो मस्जिद में बैठे, पंडित हो तो वो मंदिर में बैठे। सियासत आप धर्म की आड़ में नहीं कर सकते, धर्म की आड़ में नहीं कर सकते, लेकिन सियासत कर सकते। आप एक बात बताओ, आप सियासत कर रहे हो और आपने मौलाना है अगर आप, और आपने दाढ़ी लंबी कर रखी है और दाढ़ी लंबी करके आप कह रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे वोट दो, तो ये गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत। तो फिर तो आप अगर भगवा गमछा डालकर हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करोगे, अगर आप कहते हो कि आप योगी हो तो आप मंदिर में जाइए, आप कहते हो अगर मौलाना हो तो आप मस्जिद में जाइए, या तो आप कहिए कि मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं पॉलिटिक्स करने आया हूँ, राजनीति करने आया हूँ। आप किस बात के लिए योगी कहते हैं? अपना नाम बताइए, अजय सिंह बिष्ट, आपको नाम बताने में शर्म आती है? अगर आप आपत्ति मौलाना या पंडित से नहीं है, राजनीति दोनों करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप किसी धर्म का गलत इस्तेमाल ना करें, एक धर्म को टारगेट ना करें, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म को टारगेट ना करें। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? और क्या करती है बताइए, क्या कर रही है? इतने टाइम से मॉब लिंचिंग के केसेस, तमाम तरीके के ब्राह्मणों की हत्या, दलितों के साथ में शोषण, ऐसी कौन सी जाति है या ऐसा कौन सा धर्म है जो बीजेपी के राज में सुरक्षित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, आदिवासी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी हैं, एक भी आप ऐसे को नाम बता दीजिए जो बीजेपी के राज में सुरक्षित हो। आपसे ही पूछता हूँ, बताइए है कोई ऐसा जो बीजेपी के राज में सुरक्षित है? सुरक्षित हैं तो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मोदी जी के राज में, जिनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है, जिनकी संपत्ति बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहीं का दौरा करते हैं तो आप लोग विरोध क्यों करते हैं? देखिए ऐसा है, अभी आपको पता ही है कि मैं अभी स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूं, अभी उसके बाद में मैं मलेशिया चला जाऊंगा, है ना? आपको पता ही है सीधे झूठ बोलते हैं क्यों? प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, या झूठ बोलने का अधिकार भी मोदी जी के पास है, प्रधानमंत्री हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो आप भी दिखाइए झूठ, दिखाइए, नेशनल चैनल पे दिखाया तो जा रहा है, दूर एक मिनट, मानते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, कम से कम आप तो सच बोलिए ना, आप भी तो झूठ बोल। अब आप सुनिए, एक और दूरदर्शन पे दिखाया जाता है आज के मुख्य समाचार, दिल्ली से बंबई जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, दूसरी ओर नेशनल चैनल को मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, कहाँ छिपा है सलमान, बाहर निकल, कहाँ छिपा है सलमान, ये नेशनल चैनल का हाल है। तो ऐसे नेशनल चैनल को देखना पसंद करेगी इस देश की जनता, तो ऐसे लोगों से भैया हाथ जुड़वाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा, आपका जन्मदिन की। जी जी, शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े होते बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।